जिंदगी में हिकमत जो है उसको अगर आपने अपना ली है और तिब जो है उससे अगर आपने फ़ायदा उठा लिया है तो कोई भी रोग, कोई भी मर्ज जो है वो इलाज नहीं हो सकता अल्लाह की मेहरबानी से। बात यह है कि तिब को समझने वाले, हिकमत को जानने वाले लोग आज भी मौजूद हैं लेकिन वो मार्केट में अवेलेबल नहीं है। अगर आप अदवियात को, जड़ी बूटियों को दुरुस्त मिजाज के हिसाब से इस्तेमाल करते हैं तो अल्लाह के फजल से सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस दुनिया में कोई ऐसा मर्ज नहीं है जिसका इलाज अल्लाह ने ना भेजा हो। अल्लाह खुद फरमाते हैं कि जितने भी अमराज हैं उन सब के लिए अल्लाह ने जड़ी बूटियाँ जो हैं वो भेजी हैं। तो बात यह है कि उनकी पहचान कैसे करनी है और किस चीज़ को कहाँ पर इस्तेमाल करना है, ये बहुत ज़रूरी है। तो तिब्बे यूनानी में जो चीज़ें थीं, नज़रिया मुफ़रद आज़ा में जो चीज़ें थीं, इसके अलावा आयुष या आयुर्वेदिक में जो चीज़ें थीं, होम्योपैथी में जो चीज़ें थीं, अल्हम्दुलिल्लाह उस सारी की सारी स्टडी करने के बाद, उन सब चीज़ों को खंगालने और जांचने के बाद, बहुत सी ऐसे जो राज हैं वो अफशा हुए हैं, बहुत से ऐसे पर्दे जो हैं वो हट चुके हैं और ये सारा जो है वो सदका मोहम्मद वाले मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप लोगों की दुआओं से और अल्लाह पाक के फजल से हुआ है। चंद एक चीज़ें आपके सामने रखता हूँ। बलगम का मिजाज तिब्बे यूनानी में सर्द तर लिखा गया है जबकि नज़रिया मुफ़रद अज़ा में तर सर्द और तर गर्म लिखा गया है। हकीकत ये है कि अगर आप अरकान की बात करें तो आप कहते हैं आग, पानी, हवा और मट्टी, तो पानी का मिजाज सर्द तर नहीं है, तर सर्द है, लिहाजा नज़रिया मुफ़रद अज़ा की जो थ्योरी है वो यहाँ पर ठीक है। अब आती है बात कि उसका इलाज क्या किया जाए। उसके इलाज के लिए आपको खुश्क गर्म चीज़ों का इस्तेमाल करना है, ना कि गर्म खुश्क चीज़ों का। तो तिब्बे यूनानी की जितनी भी मफरूदात की किताबें हैं उनको अगर आप पढ़ते हैं तो वहाँ पे खुश्क गर्म वाला जो मामला है वो है ही नहीं, जबकि गर्म खुश्क सारा का सारा लिखा हुआ है। तो वहाँ पर भी नज़रिया मुफ़रद अज़ा सलासा और नज़रिया मुफ़रद अज़ा अरबा जो है वो एक कामयाब थ्योरी है। इसके बाद अगर हम बात करें कि सौदा किसे कहते हैं, सौदा सर्दी का नाम है, खिलते सौदा सर्द चीज़ों के इस्तेमाल करने की वजह से बढ़ जाती है, जबकि नज़रिया मुफ़रद अज़ा सलासा वालों ने एक जगह पे उसको सर्द खुश्क और दूसरी जगह पे उसको खुश्क सर्द लिखा हुआ है जो कि सरासर गलत है। तो लिहाजा आपको सुदावी मिजाज में अगर देखना है तो वो या तो सर्द तर है या फिर सर्द खुश्क है। तो सुदा का इलाज बहुत से लोगों ने लिखा है जी खुश्की पैदा करना है, यानी उजलाती गुदी चीज़ों का इस्तेमाल करना है, जो कि सरासर गलत है। मेरे भाई अगर मिजाज सर्द खुश्क है तो इलाज गर्म तर होगा, और अगर मिजाज सर्द तर है तो इलाज गर्म खुश्क होगा। तो इलाज बिल जिद जो है वो बेहतरीन और कामयाब तरीका इलाज है, आप इसको अपनाएं और इससे फ़ायदा उठाएं। तो यहाँ पे चार चीज़ें जहन में रखें, तरी का इलाज जो है वो खुश्की में है और सर्दी का इलाज जो है वो गर्मी में है, खुश्की का इलाज तरी में और गर्मी का इलाज जो है वो सर्दी में है। तो लिहाजा सुफरा का इलाज बलगम से ना करें बल्कि सुदा से करें, और बलगम का इलाज जो है वो सुदा से ना करें बल्कि खिलते री से करें, यानी खुश्की से करें। तो इंशाल्लाह तमाम इमराज जो हैं उनका कामयाब तरीन इलाज हो जाएगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें और मेरे नेक्स्ट आने वाले जो वीडियोस हैं उनको बड़ा गौर से देखिएगा। बहुत सी ऐसी चीज़ें जो है वो इंशाल्लाह आपके सामने रखूँगा जो आज तक किसी तबीब ने आपके सामने नहीं रखी। फ़ीमानिल्लाह, अल्लाह हाफिज़।